फिर होगा क्या क्या पता। The next day. हेलो, ये कौन सोया है? गाइस इस बंदे को देखो, 10:15 हो चुके हैं। अरे बंदा अभी भी सोया हुआ है, उठ जाओ भाई। बहुत थक गया हूँ। अभी जाना है कहाँ? पहाड़ों के बीच। बापरे, बोलता नेचर के बीच, नेचर के बीच में सो रहा हूँ। कार्तिक सर नारे गा रहे। कार्तिक सर आप नहारे की गा रहे? हे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। माय नेम इज अनिल एंड यू आर वाचिंग अनिल खत्री ब्लॉग। सो गाइस, पहले तो यार विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गाइस आप लोगों ने देखा कि 31 के लिए हम लोग नेचर की गोद में आए हुए हैं। दरअसल मैं चाहता ही ये था कि 2022 की जो विदाई हो वो नेचर की गोद से ही हो, एंड 2023 की जो शुरुआत हो वो भी नेचर के बीच से ही हो। तो गाइस यार हम लोगों ने काफ़ी प्लान किए कि मनाली जाए या फिर कसोल जाए या फिर बीड़ बिलिंग धर्मशाला की तरफ निकले या फिर शिमला निकले, बट इन दी एंड ना हम लोगों को चाहिए था पीस, क्योंकि यार क्राउड में तो सभी इंजॉय करते हैं, बट हम लोग चाहते थे कि ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे सिर्फ पीस हो, शांति हो और नेचर हो। एंड सरची विले से ज़्यादा बेटर कुछ और हम लोगों को मिला नहीं, बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है और इस विलेज का मैंने पहले भी ब्लॉग बना रखा है कि सरची मेरा फेवरेट विलेज है, क्योंकि यहाँ पे यार जो नेचर की वाइब है ना वो अलग ही है, और जो सुंदर ये गांव है ना यार, मैं शब्दों में उसको बयां कर ही नहीं सकता हूँ। एंड चारों तरफ से अभी तो आप लोग देख भी रहे हो, तो इधर से जब नज़रें घुमाएंगे ना तो स्नो कैप्ड माउंटेन्स और सामने वाला तो यार मैं क्या ही बताऊँ, तो वो सरची विलेज है। एंड इधर भी स्नो है गाइस, तो हम लोगों को ना 2023 में स्नो मिल ही गई। तो अभी का प्लान ये है, ऊपर अपने भाई लोग तैयार हो रहे हैं सभी के सभी, तो ये तैयार होंगे, हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएंगे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, ब्यूटीफुल मेडो है वहाँ पे, स्नो भी हम लोगों को देखने को मिलेगी, तो स्नो में इंजॉय करेंगे, अच्छे से दिन बिताएंगे एंड आप लोगों को भी दिखाएंगे। ने बनाया पराठे, बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं दादी ने बनाए हैं। अच्छा दादी देखो इस उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे बनाए दादी जी पराठे। गाइस आप लोगों ने तीर्थन वैली के बारे में सुना होगा, तीर्थन वैली बंजार में पड़ता है, एंड जो ये नदी है तीर्थन, इसके साथ लगती जो घाटी है उसको तीर्थन वैली बोलते हैं। एंड तीर्थन वैली के गुशैनी से गैस लगभग 13 किलोमीटर अगर आप ऊपर की ओर आते हो तो आप आते हो इस ब्यूटीफुल विलेज में, दैट इज सरची विलेज। मैं गया था, इसको तुम लोगों ने मेरे सरची वाले ब्लॉग में देखा होगा, ये है इस गाँव का लोकल एस पी। तो लोकल एस पी ये बढ़िया था गुरु, ये तो जोक बन गया, ये तो जोक बन गया। लोकल एसपी कह रहा, जब भी हम यहाँ पे आते हैं एक एसपी यानी सतपाल नाम है इसका, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाला मैं समझ लेना। एंड रुपेंद्र भी है, रुपेंद्र अभी गया हुआ है कुछ काम से, तो यार जब भी इस विलेज में आते हैं इन दोनों की हॉस्पिटैलिटी जो हम लोगों को मिलती है ना, जो इनका प्यार मिलता है वो अनकंडीशनल है। जैसे ही हम इस गाँव में एंटर किए तो वैसे ही हमें सबसे पहले तो वादियां दिखी सामने, मेरे पीछे देख सकते हैं आप बर्फ से ढकी। कमेंट्री नहीं करनी भाई साहब, ऐसा ना होता है जब भी हम कैमरे से बात करते हैं तो ना चाहते भी कॉन्शियस हो जाते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सच्ची बात रहे भाई, आप कॉन्शियस हो रहे हैं, बी नेचुरल। कार्तिक सर अच्छा, ये नेचुरल बंदे चाहिए हमको, ये बताएगा नेचुरल बंदे चाहिए, ब्लॉग नहीं बन रहा है, ये सारे मतलब कॉन्शियस हो रहे हैं कैमरे को लेके। फिर मैंने बस पकड़ी, बैठो बैठो
तो ये अपने कार्तिक सर, रात भर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। बोल रहे भाई मैं कैमरामैन ही बन गया हूँ, मैंने ये बोलना है कुछ, क्या बोलना चाहते हैं आप? एबीसी न्यूज। तो ये अपना रुपेंद्र, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, ये दोनों ही वो शख्स है जो बार बार मुझको गौर से देखे, दो चेहरों को गौर से देखे, दो चेहरों को नहीं है, वो दो चेहरे। एंड गाइस हम लोग जो हमारे अच्छे दोस्त बने, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे आई ना। So look at the view over here. Okay, where is it? Very snowy mountains over here. Oh my god, this is snow. Yes, and chup ho ja saathvi phir chup. Guys, Sarchi village se lagbhag 1 kilometer upar aakar aap logo ko ye beautiful sa gaon mil jata hai. Is gaon ka naam to exactly mujhe malum nahi, but bahut beautiful village hai. And इसके ऊपर जाके ना टॉप में आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पे है एक ब्यूटीफुल मेडो जहाँ पे कैंपिंग वगैरह होती है, काफ़ी लोग कैंपिंग के लिए आ रखे होते हैं। तो अभी वहीं पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे हो कि स्नो है, तो स्नो में यार मस्ती तो करनी है और आप लोगों से भी मस्ती करवानी है, तो चलो। एप्पल बेच रहे हैं, वेरी गुड। कितने रुपए का? 120 रुपए का। इतना महंगा ऐसे खाना मैंने ऐसे दे देंगे हैं? क्यों ऐसे नहीं देना बच्चे, ऐसे दे दो, एक देंगे नहीं पक्का दे दो बच्चे, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे ही पैसे नहीं है मेरे पास, दे दिया दे दिया। हाउ स्वीट, थोड़ा सा बोलने पर ही दे दिया। बट क्या हो बच्चे, लो ठीक है? ठीक है बच्चे, थैंक यू तो बोलो। तो यार बच्ची ना बड़े प्यार से आई कि एप्पल ले लो, एंड 20 रुपए का एक एप्पल, खाने में तो भाई टेस्टी होगा ना बच्चे, खाने में तो टेस्टी होगा शायद। बट यार हम लोगों ने सोचा कि बच्चे का मन रख लेते हैं तो ले लिया। कैसा है रे भाई खाने में? खाओ फिर, सही है। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी आर इन द स्नो एंड चारों तरफ स्नो ही स्नो। भाई साहब कहाँ है आप लोग यार, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, रास्ता भटक गए हम लोग, पता है आपको? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ए कुंभर, ये क्या जा रहा हूं मैं कहां जा रहा हूं? गाइस यार सीधा पत्थर में आके रुका हूँ, शुक्र है रुक गया, अदरवाइज आज गए थे, हमारा स्टैंड निकल जाता, चक्कर आ गया तगड़े। आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई साहब कर दिया, रुको जरा सबर करो। जैसे साबुन की धाग लैसे उस्त्रे की धार, लोचन गाइस मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैन वर्सेस वाइल्ड करके आना, तो अभी हम जा रहे हैं मैन वर्सेस वाइल्ड करने। ये देखिए जो एडवेंचर है ये काफ़ी मतलब फन लविंग होता है, ऊपर से हम स्लाइड करके नीचे की ओर उतरेंगे और इस वक्त हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। देखिए पूरा का पूरा ऐसा करने में बहुत जोखिम होता है,
लेकिन हम आप लोगों के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार है। तो क्या तैयार हैं आप? तो गैस आप जहाँ कहीं भी हो घर पर ऐसी कोशिश ना करें, आपको लग भी सकती है, हम तो प्रोफेशनल है। अबे साले कहाँ से तुम रोज करते ऐसा? हाँ? मजा आता है। चल क्या करना है? और रुको मेरे पीछे मत आना कोई भाई। यार पैर आगे निकालो। इसके भाई आगे क्या करें? अपना पैर ऐसे पकड़ना, टाइट पकड़ना, मुड़ मुड़ कर जाएगा ना पीछे। साइकिल की तरह मोड़ना इसको भी। अच्छा साइकिल की तरह। और राइट गाइस, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं गिर गया तो मजाक मत उड़ाना, मत लेना। और अगर नीचे तक पहुँच गया ना भाई, तुम्हारा भाई होगा प्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तुम्हारे भाई बन गया प्रो, अब और फास्ट होगा। हाँ जी चाल मेरे घोड़े। ये हाँ गए सब्सक्राइब करें इनको। सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब बोलो। बहुत मजा आया पक्का। चलो आज अभी गले लगो, सभी गले लगो। मजा आता है पहाड़ों में मैगी खा के ना। गाइस मस्त मजा आ गया, मैगी बहुत ही सही बनी हुई है और चाय भी और पानी भी। पानी तो गाइस इतना ठंडा है ना, पूछो मत। ऊपर तो गर्म था, सॉरी है ऊपर गर्म था यार, सच में कह रहा हूँ। मेरे इतनी चीप मैगी 20 रुपए की, का पानी हमेशा गर्म होता है। 20 रुपए की एक प्लेट, 10 रुपए की एक चाय, तो हमारा सस्ते में काम भी हो गया सच में। सो गाइस अभी लगभग 3:05 हो चुके हैं एंड हम लोगों का न्यू ईयर का टूर, सर्ची का टूर यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। अब हम लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। तो आई होप सभी दोस्तों को मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड हम लोगों ने कहीं नहीं मार सकता था। Definitely. और ये जो एट लास्ट मोमेंट में जो हमारा प्लान चेंज हुआ, उसने हमारी बहुत हेल्प की है। बट थैंक्स टू मी सभी टूर ऐसे ही बनते हैं एंड जब दोस्त मिल जाते हैं तो यार मजा तो बहुत करते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आपको कैमरे में नहीं दिखाई, जो दिखानी ये यादगार पल हमें जिंदगी भर याद आते रहेंगे। तो गाइस बस यार इतना ही था। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ फिर कभी किसी ऐसे ही ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ध्यान रखो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। इसलिए गाइस आप लोग भी अपना 2023 एंजॉय करो एंड आई होप कि जो भी आपके ड्रीम्स है वो 2023 में पूरे हो। बाय, हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय सर। ओ रंग दे तुम्हो है गेरुआ।